ज्या पत्रकारांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही अमरुल घोषण वाशी शिवाजी चौक या ठिकाणी करणार आहे. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे अशी आमची विनंती. लोकशाहीचा चौथा आदर्शस्तंभ म्हणून पत्रकारांकडे बघितलं जातं, मात्र हे पत्रकार अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. नवी मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये याच पत्रकारांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे, मात्र हेच आज पत्रकार अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून नवी मुंबई महानगरपालिकेने बघितलं जातं. जवळपास 2000 कोटीची या महानगरपालिकेची ठेव आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आंतर संकल्पामध्ये याच पत्रकारांसाठी आपत्कालीन निधींची तरतूद केलेली नाही आहे. हे सर्वात मोठं दुर्दैव म्हणावं लागेल, कारण तुमच्या पगारावरती हाच पत्रकार ऊन बघत नाही, पाऊस बघत नाही, पण या नवी मुंबईसाठी दिवस रात्र धावत असतो. आणि उद्या जर काही झालं तर या पत्रकारांना वाली कोण? जर आपण अलीकडे बघितलं तर कल्याण डोंबिवली ही नवी मुंबईपेक्षा छोटी महानगरपालिका आहे, मात्र त्या ठिकाणी सुद्धा 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर दुसरीकडे जर बघितलं तर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा 5 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र ही श्रीमंत महानगरपालिका अजूनसुद्धा या महानगरपालिकेचे पत्रकारांसाठी आपत्कालीन निधी नाही आहे. ही खऱ्या अर्थाने मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. त्याचप्रमाणे जर बघितलं तर सिडको भवनची अद्यापर्यंत निर्मिती केलेली नाही आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचं जे मुख्यालय आहे तिथे इंटरनेटची सुविधा नाही आहे. तिथले वातानुकूलित एसी बंद असतात, एकाच कॉम्प्युटरवरती काम करावं लागतं, 4-4 कॉम्प्युटर बंद आहेत. मग या महानगरपालिकेला म्हणावं काय? जर या महानगरपालिकेने या नवी मुंबईच्या पत्रकारांचा विचार केला नाही तर निश्चितच हे पत्रकारसुद्धा नवी मुंबई महानगरपालिकेचा विचार करणार नाही. आजचं हे एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण असेल. यापुढील काळात नवी मुंबईतले पत्रकार बांधव हे साखळी पद्धतीने आमरण उपोषण करतील. जे काय होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही नवी मुंबई महानगरपालिकेची असेल. सर, आज ये आप लोगों ने जो एक दिवसीय भूख हड़ताल यहाँ पे की है, इसकी क्या वजह है और आप लोगों को ये क्यों करनी पड़ी और आपकी क्या क्या मांगनी है? ये जो हम जो पत्रकार हैं, हम पत्रकार है 24 आवर्स काम करते हैं, मगर नवी मुंबई महानगर पालिका में कुछ हमारे नगर सेवकों ने पत्रकार के लिए आपातकालीन व्यवस्था करने के लिए 1 कोटी की मांग की थी महापौर महासभा में, मगर हमारे महापौर साहब ने वो मान्य नहीं की. हमारी मांग ये है कि पत्रकारों को आपातकालीन व्यवस्था की सुविधा देनी चाहिए. हमारे जो प्रेस रूम है वो प्रेस रूम में कुछ सुविधाएं जो हमें दी गई थी मुहैया कराई गई थी वो निकाल ली है, तो सुविधा वापस मुहैया कराई जाए. और नवी मुंबई का पुलिस आयुक्तालय में एक जनसंपर्क अधिकारी पर्टिकुलर होना चाहिए जो हमें न्यूज़ दे सके. ये सब हमारी मांगे हैं. और पत्रकार सबसे पहली मांग ये है कि हमारे पत्रकार भाइयों के लिए महानगर पालिका द्वारा 1 लाख कोटी रुपये की जो मांग की गई है वो हमें दी जाए, ताकि पत्रकार जो भी असुविधाएँ होती है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ पत्रकार हमारे बहुत सारे मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, उनके लिए ये सब होना चाहिए. जैसे कि मुंबई महानगर पालिका ने पत्रकारों के लिए 1.5 कोटी की सुविधा दी गई है. थाने डोंबिवली महानगर पालिका में 50 लाख की सुविधा दी गई है, मगर हमारी महानगर पालिका नई मुंबई महानगर पालिका ये महाराष्ट्र में 2 नंबर की महानगर पालिका है, आर्थिक रूप से सक्षम है और उधर भी होना चाहिए. ऐसे हमने मांग है, इसलिए हम एक दिन के हम सब में बैठे हैं और मांग होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग वो नागरिक यांचा दुवा साधणारा म्हणजे पत्रकार. पण सध्या पत्रकारांची अवस्था इतकी दयनीय आहे, सर्वांनाच मानधन किंवा वेतन वेळ मिळतं याची हमी कधीच नसते. तसेच घरामध्ये एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर त्यांना अनेक आर्थिक संसर्ग सोसू लागते व एक काही वेळा आपल्या वस्तूही गहाण ठेवा लागतात. अशा वेळेला जर राज्यामध्ये श्रीमंत महापालिकासोबत नवी मुंबई महापालिका या येथील प्रशासनाने याचा विचार केला आणि 1 कोटी रुपये तरतूद केली तर बऱ्यापैकी पत्रकारांना एक सहारा मिळेल, एक आशा मिळेल, एक उमेद मिळेल. ठाणे किंवा कल्याण डोंबिवलीसारखी गरीब महापालिका आज पत्रकारासाठी 50-50 लाख रुपयाची तरतूद करते, 1 कोटी रुपयाची तरतूद करते, परंतु नवी मुंबई महापालिकेचे प्रशासन इतकं ढिंब का आणि असं करणं त्यांनी योग्य आहे का? जर पत्रकारांनी न्याय दिला नक्कीच पत्रकार अजून उमेदीने चांगले काम करतील आणि त्याचबरोबर चांगले प्रश्न मांडतील, त्यामुळेच आपल्या नवीचा विकास होईल. म्हणून प्रशासनाने कोणताही आढावा न घेता 1 कोटी रुपये तरतूद करावी अशी आम्ही विनंती करतो आणि म्हणून आम्ही हे उपोषण स्वीकारलेलं आहे. आज जो है तो पत्रकारों ने एक दिन का जो है तो इलेक्शन उपोषण रखा है.
उनका हक है रखना, क्यों ये जो है तो देश का अपना चौथा स्तंभ है, ये मीडिया उसको कोई ड्यूटी नहीं होती है, 24 घंटा जो है समाज के लिए खड़ा रहता है, न्याय दिला के देता है, जहाँ पर अन्याय होती है उस अन्याय को लोगों के सामने लाता है, लोगों को न्याय मिला के। इन पत्रकारों को कोई मानधन नहीं होता है, जो भी संपादक है पगार नहीं मिलती उनको उनके काम करें, फिर भी जो है तो उनकी 24 घंटे ड्यूटी के अंदर अपना हक बजाते हैं और लोगों को न्याय मिला कर देते हैं। तो इनको कभी तो महानगर पालिका ने जो उन्होंने डिमांड की है वो मानदंड देना चाहिए, और उसी के साथ में उनको रहने के लिए घर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई मुंबई के अंदर देख रहे कितना भाड़ा है आज, पत्रकार जो है तो 8,000 11,000 भाड़ा कैसा देगा और कैसा पत्रकार नहीं करेगा, आज पत्रकारों के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, इसके लिए जो है पत्रकारों को नई मुंबई महानगर पालिका हो या सिडको हो, शासन ने जो है तो उनको हर एक पत्रकार को एक घर देना ज़रूरी है, ताकि जो है तो अपने और पत्रकारी जो है तो अपने हौसले के साथ करेंगे और अपने बुलंद हौसले के साथ जो है तो काम को अपनाएंगे। तो यहाँ पर नई मुंबई महानगर पालिका आई तब से कोई पत्रकारों को कोई मानदंड नहीं दी, पत्रकारों को कोई सुविधा नहीं, तो नई मुंबई के अंदर पत्रकारों को सुविधा मिलना चाहिए, इसीलिए रिपब्लिकन सेना के तरफ से हमारा उनको अनशन के लिए जाहिर पाटिंबा है, और इनके लिए जो हम लोग जो है तो मुख्यमंत्री तक निवेदन दे के पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए, जो होने वाले अन्याय है वो रुकना चाहिए, इसके बारे में जो तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन देंगे, यहाँ के आयुक्त देंगे और सिडको को भी देंगे। इसके पहले भी हमने सिडको के ऊपर एक मोर्चा लिया था, मोर्चे के अंदर पत्रकारों को घर मिलना चाहिए करके हमने सबने डिमांड किया था, और हमारी हमेशा के लिए पत्रकार के लिए हम लड़ते हैं, उनको साथ देते हैं, और अभी भी हमारा उनको साथ रहेगा।